मऊ शहर के ऐतिहासिक एवं पारंपरिक दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाला विश्व प्रसिद्ध धोक पड़वा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस धोक पड़वा में क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर से दो प्रवाह मिलन समारोह मनाया गया। इसे परंपरा को और भव्य रूप में मनाने के लिए SDP समूह के युवाओं द्वारा रंगीन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। SDP समूह की अंकुश चिड़वाल ने बताया कि दीपावली रंगोत्सव 2021 घर घर रंगोली घर घर पड़वा के बैनर तले रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। ये रंगोली प्रतियोगिता शहर के प्रमुख मार्गों पर बनाई गई थी। इस प्रतियोगिता को शहर की जनता ने भरपूर समर्थन दिया, साथ ही शहर के गणमान्य नागरिकों ने इस प्रतियोगिता के लिए बढ़ चढ़ कर नामांकन करवाया, जिसमें 225 प्रतियोगी ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस प्रतियोगिता में 8 निर्णायक कमेटी का गठन किया गया है। इन कमेटियों का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ 10 प्रथम पुरस्कार और बाकी सांत्वना पुरस्कार भी रखे गए हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने वाले को 51,000, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 21,000 एवं तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 11,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। इस ग्रुप में सुचित बंसल, राकेश चौधरी, डॉक्टर सुचिता श्रीवास, परेश सोनी, राकेश अग्रवाल आदि उपस्थित थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए महू से विशेष संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। जैसा कि सभी को विदित है, महू शहर की सांस्कृतिक परंपरा धोक पड़वा एक ऐसा अभूतपूर्व त्यौहार है जो विश्व में महू के नाम से जाना जाता है, महू शहर जिसके नाम से जाना जाता है। कुछ वर्षों से ये धोक पड़वा काफ़ी फीकी हो गई थी, तो इस धोक पड़वा के महापर्व को नई रंगत देने के लिए, नई ऊँचाइयाँ देने के लिए, पुनः पुराना वैभव लौटाने के लिए एक रंगीन रंगोली प्रतियोगिता हम लोगों ने आयोजित की थी, जिसका टैगलाइन था घर घर रंगोली घर घर पड़वा। इसमें रंगोली प्रतियोगिता में इनाम की व्यवस्था भी रखी गई है। इसमें प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपये नगद, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपये नगद, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपये नगद, 10 प्रोत्साहन पुरस्कारों के साथ में जितने भी प्रतिभागी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित उपहार हम लोगों ने संस्था की तरफ से रखा था। इस प्रोग्राम के जो निर्णायक है वो निर्णायक कमेटी बनाई गई है। इस प्रोग्राम में टोटल 8 निर्णायक हैं जो इंदौर शहर से महाविद्यालयों से फाइन एंड आर्ट के बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर जो इस क्षेत्र के एक असीम इस क्षेत्र के बहुत ऊंचे हस्ताक्षर हैं, उन निर्णायकों को हमने आमंत्रित किया था निर्णय के। किस बैनर तले कार्यक्रम रखा गया? ये SDP समूह के रंगोत्सव 2021 के बैनर तले ये कार्यक्रम का आयोजन महू नगर में किया गया। आपका नाम बताओ? अंकुश चिड़वाल।